lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Hi everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. तो आज मैं कर रही हूँ vlog और ये बहुत ही random decision था. Actually कल, आज Friday है और कल है Saturday Sunday, तो मैंने सोचा था कि मैं कल weekend का vlog करूँगी, but then मेरा मन करने लगा कि चलो आज vlog करते हैं, तो मैंने उठा लिया कैमरा और अभी बज रहा है 11:30 और काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं मतलब एक्चुअली कुकिंग वगैरह करने में, क्योंकि आज थोड़ा ऐसे ही स्लो काम चल रहा है. सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लिया था और अभी हम लोगों को वैसे भी खिचड़ी बनानी है. तो यहाँ पर मैंने बालों में अभी लगाया हुआ है दही और साथ में जो एलोवेरा होता है ना, उसकी पूरी पूरी स्टिक विदाउट उसको पील करे मैश कर लिया था मैंने, मतलब पूरा उसका पेस्ट बना लिया था, तो वो मैंने अपने बालों में लगा लिया है. एंड यस, क्योंकि ना एक्चुअली एलोवेरा जो है वो आपके बालों से डैंड्रफ को भी किल करता है. मेरे बालों में डैंड्रफ भी काफ़ी बार बार आ रही है, तो ड्राइनेस की वजह से है या पानी कम पी रही हूँ, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट जब से मैंने केमिकल ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट किया है ना, डैंड्रफ कंटिन्यूस मेरे बालों में रहती है. मे बी इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ दैट केमिकल ट्रीटमेंट. तो मैंने सोचा है कि अब मैं केमिकल ट्रीटमेंट से ना थोड़ा पॉज लूँगी, मतलब अभी नेचुरली चलते हैं बाहर, नहीं तो कल बालों को गंदा वाला जो इफेक्ट होता है ना वो तो देंगे ही देंगे. मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आप कलर करवाओ, कलर ट्राई करो. कलर तो मैं जीवन में, जब तक मेरे बाल सफ़ेद नहीं हो जाएंगे और मुझे लगेगा अब मुझे इनको ब्लैक करने के लिए कलर कराना है तभी मैं कलर कराऊंगी. ऐसे तो मेरे को कोई शौक नहीं है कलर वाला कराने का, वो सब जो ब्राउन आई लव माई नेचुरल जेट ब्लैक कलर हेयर. मुझे वही पसंद है, मुझे नहीं पसंद है बाकी के हेयर कलर्स. मतलब ठीक है, अच्छा लगता है कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है, बट पर्सनली मेरे को मेरे बालों पर नहीं अच्छा लगता. तो वैसा है, तो कलर वलर तो मैं कभी नहीं करवाने वाली हूँ अपने बालों में, बस हेयर कटिंग करके एक्सपेरिमेंट कर लिया मैंने और बस यही है. आज अभी स्टार्ट कर, और बाय द वे मुंबई में काफ़ी स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन लग चुका है. मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि नहीं बताया था पता नहीं, बट हाँ स्ट्रिक्ट वाला मतलब फ्राइडे टू संडे वाला तो लग ही रहा है. आई थिंक वो तो भोपाल में भी, मेरे को मैंने न्यूज़ में देखा कि एमपी में भी लग गया है, महाराष्ट्र में भी लग गया है, तो आई गेस वो हर स्टेट में, आपके स्टेट में लगा है कि नहीं लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर. जो ये फ्राइडे नाइट टू मंडे मॉर्निंग तक का कर्फ्यू है, नाइट पूरा दो दिन का कर्फ्यू, वो तो अच्छा किया खैर करके. एंड बाकी दिन का भी यहाँ पर लॉकडाउन है 31st तक, सब मॉल्स वॉल सैलॉन वगैरह सब कुछ बंद है. तो चलिए आज का जो दिन है वो स्टार्ट करते हैं. सुबह एक्चुअली क्या हुआ ना, आज सुबह से मेरी एक कज़न के बेटे का बर्थडे है आज, और मेरी जो फ्रेंड है शिल्पा, आपने देखा होगा उसको ब्लॉग्स में भी मेरे साथ, तो उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला है. अभी टाइम है लेकिन, आज तो 9th ही है, दो दिन बाद है उसकी बेटी का बर्थडे, तो हम लोगों ने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया है, मतलब जो उसकी बेटी है. तो विक्की को भी बहुत पसंद है, वो मेरे को भी बहुत पसंद है ना क्लोजेस्ट वाला, तो उसके लिए एक बहुत अच्छे से गिफ्ट भिजवाया है. तो उसने, मैंने उसको बोला था कि जब भी तू वो गिफ्ट ओपन करे तो उसकी जो बेटी है उसका नाम आरना है एंड उसका रिएक्शन ज़रूर लेना. तो मैं छोटी सी ना उसकी क्लिपिंग यहाँ पर वीडियो में डाल दूँगी. शी इज़ अडोरेबल एंड वेरी वेरी क्यूट. मैं सुबह से लेकर के 4 बार तो उसका वीडियो देख चुकी हूँ जिस तरह से उसने रिएक्शन दिया है. साल की अब होगी, मतलब वो हर वर्ड्स बोल लेती है, पूरी पटर पटर बातें कर लेती है. तो ऐसे एक्टिव बच्चे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ऐसे जो नोटोरियस होते हैं सो, और लड़कियां स्पेशली. तो ये हम लोगों ने जो कुकर लिया था मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था, तो आज इसका उद्घाटन मैंने कर दिया है.
और इसमें मैंने क्या बनाया है, पुलाव में बगार, अभी इसमें बगार लगाना है मैंने। मैं सिक्की को बोला आप इसको यूज़ करो, उससे पहले मैं इसमें कुछ अच्छा बना करके यूज़ कर लेती हूँ एक बार। यहाँ पर ऐसा है जो लॉकडाउन जो कर्फ्यू है ना 2 दिन वाला, उसमें कोई बाहर भी नहीं निकल सकता है, नॉट इवन फॉर ग्रॉसरीज, नॉट इवन फॉर एनीथिंग, अंटिल अनलेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तो मेट वगैरह भी कल और परसों नहीं आएंगे, आउटसाइडर्स को तो उन्होंने पहले ही ब्लॉक कर दिया है कि नहीं आना है, अलाउड नहीं है, बट अब मेड वेड ये सब भी नहीं आने वाले हैं। सो यस, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आई रियली लाइक दिस चॉपिंग बोर्ड, रीजन बिहाइंड दैट इज कि आप जब इसका जो भी पील वील करते हो ना, तो वो सब यहीं पर रखने के लिए हो जाता है। Why you wanna let me go not now? Are you saying that you change your mind? For love or pity, let me know not now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? ओके गाइस, तो मैंने शार वगैरह सब ले लिया है, हेयर वॉश अच्छे से कर लिया है, हेयर वॉश हो गया है। मैं देख रही हूँ कचरा तो नहीं है ना मेरे बालों में, क्योंकि एलोवेरा लगाते हैं ना तो काफ़ी सारा छोटा छोटा जो चीज़ें हैं, कचरा है, वो फंस जाता है एलोवेरा के। एंड तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन सा लिप बाम यूज़ करती हूँ, जो टिंटेड लिप बाम मैं यूज़ करती हूँ ना, ये है दिस इज़ बाई डॉटर्स अर्थ। तो उसमें अलग अलग शेड्स आते हैं एंड 1 महीना हो गया मुझे यूज़ करते हुए। तो प्रॉब्लम इज़ कि इसका जो स्टेइंग पावर है दैट इज़ नॉट ग्रेट, मतलब 3 घंटे हार्डली स्टे करता है कलर भी, इनफैक्ट 3 घंटे के बाद ये निकल जाता है। उसमें से भी अगर आपने कुछ खाया नहीं हो, तो अगर आपने कुछ खाया है, कोई मील लिया, आपने बार बार पानी पिया है, तो ये और जल्दी निकल जाएगा। तो हाँ, इस फैक्ट को हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, आपके लिप्स को कोई हार्म नहीं करेगा। एंड दिस इज नॉट एट ऑल मॉइस्चराइजिंग एज वेल, स्टिक्स जो होती है और जो लिप बाम्स होते हैं वो सब हमारे इनडायरेक्टली अंदर जा रहे हैं। तो इससे बेटर है कि आप इस तरह का ऑर्गेनिक लिप बाम डेली में लगा सकते हो, कुछ ऐसा हार्म नहीं करेगा। वही मैंने बताया, जब मुझे ज़्यादा स्टिंग बार वाली लिपस्टिक वगैरह चाहिए रहती है, जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ 4-5 घंटे वाला, तब मैं लिपस्टिक ही अप्लाई करती हूँ। लिपस्टिक को रिप्लेस तो नहीं करता है ये, टिंटेड लिप बाम है, आपके स्किन के लिए सही है, ज़्यादा ऐसे हजार्डियस नहीं है आपके स्किन के लिए, तो इट्स गुड। तो ये है मेरा मिनी रिव्यू। आज मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं वैसे तो आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर, बट आज मेरा काफ़ी मन कर रहा है, तो आज मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। और मुझे लेकिन जो कॉफ़ी बनानी है ना, कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन है मेरा, तो चलिए बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी। और मुझे पता है जब मैं कॉफ़ी पी लूँगी, तो आई हैव दिस प्रॉब्लम कि अगर मैंने कॉफ़ी पी ली है, चाय पी ली है शाम को, तो रात को मुझे 2-3 बजे से पहले कोई सुला नहीं सकता है। और ये रात में मेरे को भी नहीं सुनने, मेरे को तो नींद आती है ना, इसलिए नहीं आपको कॉफ़ी इसलिए बना रही हूँ ताकि आप भी नहीं सो, मैं भी नहीं सो। मुझे विश्वा, आप लोगों को याद होगा जो मेरा बेडरूम टूर था, एंड जिसमें वो जो ग्लास वाले, मैं एक मिनट बता ही देती हूँ ना, इतना क्या बताऊँ, एक सेकेंड मैं अपने बेडरूम में बताती हूँ आपको। तो ये जो वॉल हैंगिंग है ये, और यहाँ पर ये जो 3 आपको मिरर्स दिख रहे हैं कलर्स वाले, ये मुझे भेजे थे विश्वा नारवाल करके, उसका पेज है इंस्टाग्राम का, मैक्रम आर्टिस्ट है वो। तो उसने मुझे भी कुछ 2 और चीज़ें भेजी हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी। तो एक तो उसने मुझे ना ये भेजा हुआ है, दिस इज़ अ 2 टायर कैनवस मैक्रम, 2 टायर मैक्रम शेल्फ है ये, 2 टायर मैक्रम शेल्फ है। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, डिम लाइट्स है, तो ये देखिए। और जो दूसरा भेजा हुआ है, वो भेजा है उसने मुझे ये बड़ा ही प्यारा सा, ये मेरा बहुत ही प्यारा सा है वो है। तो एक और मेरे पास आया है येलो, मस्टर्ड येलो एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में, वो तो आई थिंक 3 या 4 फीट्स हाइट का है, बहुत बड़ी हाइट का है। तो उसको मैंने बेड बॉक्स में रख दिया है, इन दोनों को भी अभी मैं बेड बॉक्स में फ़िलहाल के लिए रख दूँगी, अभी गंदा नहीं करूँगी, कुछ मेकओवर करूँगी या कुछ चेंजेस करूँगी घर में, तब मैं इनको यूज़ करूँगी। बट हाँ, ये 2-3 चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं, अगर मैं स्टूडियो रूम कुछ जो भी होता है देखते हैं, जब करूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी चलते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए, मैं दूध ठंडा होने दे रही थी, तो अब कॉफ़ी बनाते हैं, पहले मैं इनको रख देती हूँ। We'll be right back.
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड मैंने कल कंटिन्यू नहीं किया, बहुत रोशनी आ रही है यार। मैंने सेटल हो जाए थोड़ा, कल मैंने कंटिन्यू नहीं किया तो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। अब एक और, कल तो मैंने कॉफ़ी पी लिया था, तो मैं लिटरली आई स्लेप्ट एट 2:30 और 3 बजे तक मैं सोई हूँ, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने बाहुबली 1 देखी, बाहुबली 2 देखी, बाहुबली देखी और क्या, वो देख करके फिर मैं 3 बजे सोई। मतलब विक्की तो सो गया, तो उसको आ जाती है नींद कॉफ़ी पीने का, मुझे नहीं आती है। और अभी ये जो ग्रॉसरी है जो हमारे पास आई है, इसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे थे, हमारा हम लोग संडे सैटरडे मनाते हैं ना, ठीक है। और ये देखिए क्या किस चीज के साथ चल रहा है, आप लोग समझ ही गए होंगे, बाहुबली चल रही है। एंड माय वेरी लवली वाइफ, इसने मेरे को ये डायलॉग बोला कि कटप्पा इतना मानता था बाहुबली को, तो खुद क्यों नहीं मारे बाहुबली को, क्यों मारा ठीक है भाई, आप उससे इतना प्यार करते हो, बाहुबली ने आपकी इतनी सारी चीजें करी, तो खुद को मार देते ना। उसके बाद का डायलॉग एपिक है, मतलब सच बता रहा हूँ। अगर कल को कोई आपको मेरे को मारने को बोलेगा तो खुद अपना गला काट लेना, मेरे को नहीं मारा। मतलब इसने सेकंड थॉट भी नहीं दिया कि भैया सामने वाले को भी तो मार सकते है ना, नहीं खुद अपना गला काट है ना। कि मान समझ लो आप एक किसी हाईवे पे जा रहे हो और सामने एक भेड़ खड़ी है, एक आदमी खड़ा हुआ है, एक गाय खड़ी है, तो आप बताओ किसको मारोगे, किसको उड़ाओगे, ठीक है। मतलब बताओ बताओ किसको उड़ाओगे, मतलब एक हाईवे पे जा रहे हो और हाईवे पे एक ये भेड़ खड़ी है, एक गाय खड़ी है और एक आदमी खड़ा हुआ है, बताओ किसको उड़ाओगे। किसी को भी उड़ाएंगे, साइड से निकल जाएंगे। नहीं, अगर जगह नहीं है तो गाय को बोलेंगे ए, भेड़ को बोलेंगे। मतलब आप देख सकते हैं इस इंसान को, मैंने ये कंडीशन नहीं रखी है कि ब्रेक नहीं लग सकता गाड़ी में, ब्रेक की तो बात भी नहीं करी। मैं तो वैसे भी जब गाड़ी चलाती हूँ तो मैं ब्रेक ना लगाती हूँ, तो बोलती हूँ हाय एवरीवन। तो मैं थोड़ा सा लंबी गहरी सांस ले लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो ये जो पार्सल रखा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस पार्सल के लिए। ओ माय गॉड, मतलब ये इसके लिए ना पूरा वो वाला जो एक शायर है ना, कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की थी, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की थी या की है या वट एवर, और ये आज मेरे पास है। नहीं नाच लो, एक आध घंटा और नाच लो है, एक घंटे से मैं बोल रखा हूँ नहा लो नहा लो नहा लो, लेकिन नहाते नहीं बनता। ऐसी अचानक से सोचती हूँ जब मैं डेली का कि अभी खाने जाऊँ खाने जाऊँ, उसके आधे घंटे बाद में खाने जाती हूँ। प्रॉपर सोच विचार विमर्श करके हम, किससे विचार विमर्श करके जा रही हूँ, वहाँ पर कौन सी करोड़ों की डील फाइनल हो रही है। नहीं नहाते समय जो इनको विचार विमर्श करके जाना है, घुस गए थोड़ा बॉडी को, इंतजार करने दो। क्यों इंतजार करने दो, ठंडा नहाने के बाद लगता है, नहाने के पहले नहीं लगता। वैल्यू पता होना चाहिए, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, और लगने दो गर्मी, फिर नहाऊंगी तो बॉडी उसकी वैल्यू करेगी, दिल और दिमाग उसकी इज्जत करेंगे। कोई ये बिना लॉजिक की कोई बात समझ में आई आप? सबको समझ में आ गई। ये इंसान ना अभी एक घंटे बाद भी अगर आप देखोगे ऐसे ही दिखेगा, जा रही ये नहीं नहाने वाला। कहाँ जाना है, सैटरडे है, लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकल रहे, कहाँ जाना है। हाय गाइस, तो अभी शाम हो गई है, 5 बज गए हैं, तो मैं तो सोई नहीं, आपको मेरी आंखों से दिख रहा होगा। मैं मस्त वो देख रही थी, स्प्लिट्सविला देख रही थी मैं, नया वाला। मैं यूजुअली स्प्लिट्सविला बहुत टाइम से, आई थिंक मैं 10th में थी या 9th में थी या पता नहीं कब से थी, तब से मैं रोडीज और ये सब चीज़ें, स्प्लिट्सविला तो आई थिंक कॉलेज में थी तब से स्टार्ट हुआ था, मुझे याद भी नहीं है कब स्टार्ट हुआ था, बट मैं देखती हूँ। और मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि एक अच्छा टाइम पास, मुझे पता है देखो सब स्क्रिप्टेड है, फेक है, कि अब क्या देखें, कुछ टीवी तो हम चलाते ही नहीं है। उसके बाद सारी सीरीज, वेब सीरीज सब हम देख चुके हैं,
तो अभी और वेब सीरीज देखने में तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता है, तो मैंने कहा क्या देखा जाए, तो चलो स्प्लिट्स वाला देखते हैं। तो अभी मैंने फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट किया है देखना, फर्स्ट एपिसोड हुआ है मेरा। एंड ऑल्सो हम लोगों ने ना लास्ट टाइम क्या किया था, नेचर्स बास्केट से जब हम लास्ट मंथ ग्रोसरी लेकर के आए थे, तब हम ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स लेकर के आए थे, छोटा पैकेट लाई थी मैं। तो अभी मैंने ये ग्रोफर्स पे अवेलेबल है, तो अभी हम लोगों ने बड़ा पैकेट ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स का मंगवाया है, क्योंकि देखो यार बिस्किट्स हो गया, ब्रेड हो गया, आप इनसे नहीं बच सकते हो, बट ये आप कर सकते हो कि इनका जो फॉर्मुलेशन है वो आप चेंज वाला अच्छा वाला खा सकते हो। तो एक बहुत ही कमाल की चीज़ ये हुई है कि हमारा जो गैस सिलेंडर है ना वो ख़त्म हो चुका है, तो ये हम लोगों का कुकर मैंने इसमें लगा दिया है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए, होममेड पानी पूरी, एकदम बालकनी के यहीं पर हम लोग नीचे बैठ गए, मस्त पानी पूरी तो हम लोग नीचे बैठ के ही खाते हैं, हम लोगों को टेबल वेबल पे बैठ के खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, मतलब फैला करके एकदम मस्त खाना अच्छा लगता है। गाइज, तो ये वाला जो वीडियो है ना वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। और ये है पीछे सस्ता सिंगापुर, आप अच्छे से देख लीजिए, मस्त लग रहा है ना, बाय।